राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील ने कोरोना वायरस से निधन होने पर दिवंगत पैरा टीचर स्वर्गीय हंसाराम मेघवाल निवासी कारोला को उनके घर जाकर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष केशवराम मेहरा, प्रदेश महामंत्री भारमल डारा व उपाध्यक्ष भेराराम मांझू व प्रगतिशील संघ जिलाध्यक्ष मनोहर दान चारण के नेतृत्व में श्रद्धांजलि अर्पित की और आर्थिक संबलन प्रदान किया। संघ के सांचौर ब्लॉक अध्यक्ष हरिराम खिलेरी ने बताया कि राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील अपनी सामाजिक सरोकार की प्रतिबद्धता के तहत गत माह अप्रैल में कीलवा में कार्यरत पैरा टीचर हंसाराम मेघवाल की कोरोना वायरस से मृत्यु हो जाने के कारण परिवार पर दुखों का कहर टूट पड़ा। अल्प वेतन भोगी कार्मिक जिन्हें किसी प्रकार की कोई अन्य राज्य सरकार से सहायता नहीं मिलती को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए शिक्षक संघ प्रगतिशील व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से परिवार को सहायता राशि एकत्रित कर 2,28,500 रुपए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष केशवराम मेहरा, भारमल डारा, त्रिकमाराम देवासी, मनोहर दान, मनोहर सिंह, भेराराम मांझू के हाथों से सुपुर्द करवाया, जिसमें जिले के समस्त ब्लॉक से शिक्षकों ने आर्थिक सहायता प्रदान की। इस क्रम में हंसाराम के घर पर जाकर संगठन पदाधिकारियों और CBO त्रिकमाराम देवासी के हाथों से 2,28,500 रुपए आर्थिक सहायता प्रदान की। इस अवसर पर राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के हंसाराम के परिवार को अनुकंपा संविदा कार्मिक के रूप में नियुक्त किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को ज्ञापन भेजा गया। इस अवसर पर कारोला सरपंच के पंचायत के पूर्व सरपंच मनोहर सिंह, वर्तमान सरपंच खेमाराम देवासी व CBO त्रिकमाराम देवासी व समाजसेवी बहादुर सिंह ने चेक भेंट करते हुए कहा कि राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील इस तरह के कामों में हमेशा अग्रणी रहा है और संगठन की सराहना की।